गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, ये देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता और आप सबका स्वागत है मेरी इस अनोखी सी दुनिया में। हमारे सैनिक देश रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, तो हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम खुद को बेहतर बनाएंगे तो हमारा देश या राष्ट्र भी बहुत ही बेहतर बनेगा। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो कैसे हो सकता है अंकिता? वो ऐसे हो सकता है कि अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं अपने आप को और बेहतर बना रही हूँ, तो फिर मेरी फैमिली भी उसी हिसाब से ढलेगी, वो भी और अच्छा सोचेगी और बेहतर बनेगी। तो जब मेरी फैमिली बेहतर बनेगी तो धीरे धीरे ऐसे कई फैमिलीज़ करेंगी, तो एक सोसाइटी भी बहुत बेहतर बनेगी। जब सारी सोसाइटीज़ अच्छी बनने लगेंगी तो फिर हमारा राष्ट्र भी एक बहुत ही बेहतर राष्ट्र बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि हम खुद को बेहतर कैसे बनाएं? खुद को बेहतर बनाने के बहुत ही आसान चीज़ है, इनको आप हमेशा दिमाग में रखें और जब भी आपको ज़रूरत लगे कि इसकी ज़रूरत है तो उसको अप्लाई करें। खुद को हमेशा नेगेटिव विचारों से दूर रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। नेगेटिव विचारों से कैसे दूर रह सकते हैं? जैसे कोई आपको पता है वो गलत बोल रहा है, नकारात्मक बोल रहा है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, आप उसकी बातों को इग्नोर करें और हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। ये आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हमेशा काम एंड फोकस्ड रहने की कोशिश करें। जितने ही आप काम होंगे, फोकस्ड होंगे, उतना ही काम आपका बेहतर होगा। हड़बड़ी या परेशान होने से कोई भी काम बेहतर नहीं हो सकता है, बल्कि काम और ख़राब हो जाता है। हमेशा कंपैरिजन से बचें। कंपैरिजन हमेशा ही हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाता है, मोस्टली नेगेटिव ले जाता है। कभी कभी होता है कि हाँ, कंपैरिजन लोगों को और मोटिवेट करता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा वो आपको नकारात्मक सोच की तरफ ले जाएगा। तो हमेशा कंपैरिजन से बचें। नेक्स्ट स्टेप इज़ हेल्दी सोच के साथ साथ हेल्दी खाना भी खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जैसा कि अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जितना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उतना ही बेहतर आप सोच पाएंगे। अपना एक लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित करें। जब आपका एक लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित होगा तो आप उसी में अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा इमेजिन करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इससे हम और भी बेहतर गोल निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से कार्यरत रह सकते हैं। और ये सब करने के साथ साथ हमेशा खुश रहें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।